हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, यानी पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी पेडागॉजी के, उन 30 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हिंदी पेडागॉजी की अगर सबसे अच्छी बात कहें तो उसमें पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, जिसके आंसर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यानी आप पैसेज रीड करके अच्छे से आंसर दे सकते हैं, तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या है पैसेज आपका। तो यहाँ पैसेज एक साइड में दिया हुआ है, दूसरी साइड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो करना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन रीड करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज रीड करते हैं फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। तो अगर आप पहले पैसेज रीड करेंगे, समझेंगे, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हमें टाइम बचाना है, तो इसलिए हम क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ पैसेज भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है। अब हम पैसेज देखते हैं कि पैसेज में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि मनीषी कहते हैं कि पुरुषार्थी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। देखिए, पहले ही क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है, पुरुषार्थी। पुरुषार्थी मतलब जो पुरुषार्थ करते हैं, और यहाँ थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भर्तृहरि के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं। अब हम आगे का पैसेज रीड करते हैं जिसमें हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जिसमें दिया हुआ कि केवल आलसी अपने भाग्य को कोसते हैं, पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझते हैं। साधारणतया जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं, वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं, उनके पीछे और लोग चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। ये देखिए, यहाँ आप नेम मेंशन कर रहा है जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि महाराज भर्तृहरि ने मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बांट दिया था, अधम, मध्यम और उत्तम, और हमें आंसर किसका चाहिए, मध्यम श्रेणी का। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अधम क्लेश के डर से कोई काम प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ कर तो देते हैं, परंतु कोई विघ्न पड़ने पर दुखी होकर बीच में छोड़ देते हैं। यानी मध्यम लोग वो होते हैं जो काम को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए काम को करते वक्त, तो उस काम को छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लेश के डर से कोई काम प्रारंभ नहीं करते, नहीं। विघ्न आने पर कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। विघ्न आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देने वाले। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि चरैवेति का भाव क्या है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मध्यम पुरुष तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मध्यम लोग क्या होते हैं, परंतु उत्तम लोग बार बार कष्ट विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए गए काम को नहीं छोड़ते, वरन उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थी कहलाते हैं। उपनिषद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। तो यहाँ भाव ये नहीं है कि आप वॉकिंग कर रहे हैं तो बस चलते रहो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। जी नहीं, यहाँ इसका भाव ये है कि आप निरंतर अपना काम करते रहिए। जिस काम पे आप लगे हुए हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव आपने, जो गोल अचीव करना है आपको अपनी लाइफ में, जैसे कि इस टाइम का अगर आपका गोल देखा जाए, ऑब्जेक्टिव देखा जाए, तो सीटेट का एग्जाम क्लियर करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य जो है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चन की, जो मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ उनकी भी प्रैक्टिस करना है। तो उससे क्या होगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाव, निरंतर कार्य करते रहना, निरंतर चलते रहना नहीं है इसका भाव। इसका मतलब होता है कि आप अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहें, उसमें कोई ब्रेक ना लें। कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेम ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आपके सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका सीटेट का, कंप्यूटर पे ऐसे ही स्क्रीन बन के आएगी, जहाँ एक तरफ आपका पैसेज दिया होगा, दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन दिए होंगे, और आपको ऐसे रीड कर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। फिर कह रहा है कि पुरुषार्थी शब्द का विलोम शब्द होगा। पुरुषार्थी लोग क्या होते हैं, जो अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। पुरुषार्थी, ये देखिए यहाँ दिया हुआ कि पुरुषार्थी की
पहली लाइन में पुरुषार्थी का की बात की गई है, सेकंड लाइन में कह रहा है कि केवल आलसी ही अपने भाग्य को कोसते हैं, यानी पुरुषार्थी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलसी। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्रारंभ शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय मतलब पीछे। प्रत्यय का प्रस्पा से आप समझ सकते हैं पीछे, अच्छा मतलब प्रत्यय मतलब होता है पीछे और उपसर्ग मतलब आगे। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा प्र प्लस आरंभ, तो प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रारंभ शब्द का अर्थ क्या है, सॉरी प्रारब्ध नॉट प्रारंभ, प्रारंभ मतलब होता है स्टार्ट करना, प्रारब्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है फोर्थ लाइन में जो आपका पैसेज दिया है उसमें कह रहा है कि भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं, यानी भाग्य को ही प्रारब्ध कहते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है भाग्य, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है कि लक्ष्य मिलने की संभावना किसे अधिक होती है, जो निरंतर कार्य करता है, जो दूसरों का अनुगमन करता है, जो क्लेश से डरता है, या जिसे कोई चिंता नहीं है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो लोग कंटिन्यूटी के साथ अपना काम करते हैं उनकी ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और पैसेज में भी यही बात कही गई है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अधम व्यक्ति कौन होता है। हमने अभी पैसेज में तीन टाइप के व्यक्तियों की बात पढ़ी जिसमें बताया गया कि तीन टाइप के लोग होते हैं, अधम व्यक्ति, मध्यम और उत्तम। अधम व्यक्ति क्या होता है, जो अपना कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, यानी कि विघ्न की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, कोई ना कोई रीजन फाइंड आउट करते रहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कार्य प्रारंभ कर देता है, नहीं अधम व्यक्ति कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। जो विघ्न पड़ते ही काम छोड़ देता है, ये मध्यम व्यक्ति के काम है, यानी जो मध्यम टाइप के लोग होते हैं वो ये काम करते हैं कि काम स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्लम आ गई, बीच में छोड़ दिया। जो कष्टों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है कि अब देखिए दूसरा पैसेज आ गया, अभी तक हम एक पैसेज के बिहाफ पे आंसर दे रहे थे, अब आपका दूसरा पैसेज आ गया जिसमें 99 से लेकर 105 तक जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर साथ ही साथ पैसेज भी रीड करते जाएंगे, जिससे हमें क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें कह रहा है कि जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया है। अब हम पैसेज रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है पैसेज में, इसमें कह रहा है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटरियां मीनार और गुंबद बने मतलब बने होते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। मनुष्य अपने कार्यों के लिए परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्या इमोशन, इसका क्या भाव हम निकाल पा रहे हैं कि जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया है, क्योंकि जो साहित्य है वो जीवन से ही तो जुड़ा है, जीवन नहीं होगा तो साहित्य कैसे होगा, और जो साहित्य है वो जीवन से ही विचार सामग्री लेता है। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम भाव की बात करें, अगर हम दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, जीवन साहित्य को नियंत्रित करता है, जी नहीं, लाइफ किसी एक की लाइफ साहित्य को नियंत्रित नहीं कर सकती है, साहित्य जीवन को परिष्कृत करता है, ये भी बात सही नहीं है, जीवन साहित्य के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा भी नहीं, दोनों उत्तरदायी हैं, जीवन साहित्य एक दूसरे के से इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सभी फोर्थ ऑप्शनों में ए सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा था और इसी का भाव भी निकल के आ रहा था पैसेज में, इस वजह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि साहित्य के आनंद का आधार क्या है। तो पैसेज हम रीड करते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता, यानी साहित्य के लिए कानून बनाए गए हैं जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है, आदमी क्या करता है जीवन पर्यंत इस मतलब पूरी लाइफ टाइम भागता रहता है कि खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, आनंद की खोज में ही लगा रहता है। किसी को अधिक पैसे कमाने से आनंद मिलता है, किसी को जो मतलब बहुत सारी शॉपिंग करने से आनंद मिलता है, तो मतलब हर इंसान बस खुश रहना चाहता है जीवन में और पूरी लाइफ टाइम इसी के लिए वो काम भी करता है।
फिर कह रहे किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आनंद सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। यानी साहित्य का उद्देश्य क्या है? सुंदर और सत्य। जीवन के आनंद का आधार क्या है? यहाँ आपने पढ़ा होगा कि जीवन के मतलब जीवन का जो आनंद है उसका आधार क्या दिया हुआ है। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। यानी जो साहित्य है उसका आधार है सुंदर और सत्य। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है। अभी हमने डिस्क्राइब किया कि मनुष्य जीवन पर्यंत बस आनंद की खोज में लगा रहता है कि वो खुश रहे। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साहित्य का प्रमुख उद्देश्य देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए पैसेज की, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सुगम का विलोम शब्द क्या है? सुगम मतलब आसान, तो सुगम का दुर्गम। तो यहाँ भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसमें कह रहा है कि लंबे चौड़े भवन, यानी जो स्टेटमेंट है इसमें जो रेखांकित शब्द है उसकी व्याकरण दृष्टि से, यानी जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है? और इसमें जो रेखांकित पद है वो है लंबे चौड़े। तो अगर कायदे से देखा जाए तो लंबे चौड़े क्या बता रहा है? भवन की विशेषता बता रहा है। और जो वर्ड्स नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमित का अर्थ क्या है? परिमित का मतलब होता है सीमित, यानी एक लिमिटेड चीजें, लिमिटेड है आपका, अनलिमिटेड नहीं है। तो परिमित का अर्थ हो जाएगा सीमित। यहाँ दिया भी हुआ है, यहाँ जब हम पैसेज रीड कर रहे थे तो यहाँ हमने पढ़ा था कि सुगम और मर्यादाओं से परिमित है, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो मर्यादाओं से परिमित है, मतलब सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेडागॉजी के आ गए, यानी हिंदी पेडागॉजी के जो मेन क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला कह रहे हैं कि शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे मतलब आधे अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को सही भाग से जोड़ना है। यानी एक टीचर क्या करती है, एक पर्ची बनाती है कई सारी, उनमें एक पर्ची में क्या करती है मतलब आधे आधे वर्ड्स लिखती है। वर्ड्स नहीं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, शब्द नहीं, वाक्य की बात की जा रही है। क्योंकि शब्द आधे कैसे लिखे जा सकते हैं, वो तो संधि विच्छेद हो जाएगा। वाक्य की मतलब बात की जा रही है, स्टेटमेंट सेंटेंस कह सकते हैं। टीचर क्या करती है, एक पेज लेती है उसमें आधे आधे सेंटेंस लिखती है और स्टूडेंट से कहती है कि इसके आगे भाग को आप ऐड कीजिए, यानी आगे क्या ऐड किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट में क्या एबिलिटी डेवलप होगी, वो जान पाएगा कि हम कैसे क्रिया विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन सब का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना सिखाना, विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, या विद्यार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना। जी नहीं, वाक्य विन्यास पे फोकस कर रहा है, यानी कि जो शब्द रचना है, स्टेटमेंट कैसे जो आपके स्टेटमेंट है उसको कैसे बनाना है, कैसे कंप्लीट करना है सेंटेंस को, क्या उसमें ऐड होगा, वो आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो भी नाउन प्रोनाउन है, तो उस बिहाव पे वाक्य को कंप्लीट करना है। तो ये क्या किस पे फोकस कर रहा है, वाक्य विन्यास पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, वह क्या कहलाती है। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें टीचर आपको कहता है कि पहले आपको अच्छे से सुनना है, यानी जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से सुनना है, फिर उसके बाद उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी आपके जो मन में जो आप बोलना चाहते हैं, आपके जो थॉट है वो आपको लिखने हैं, और साथ ही साथ जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको सुनाया जा रहा है, उसको अपनी कॉपी में फिर से लिखना है। तो यह किस प्रकार का मतलब एक्टिविटी है? श्रुत लेख, सुनी गई पाठ सामग्री की पुनः निर्मिति,
कथन विश्लेषण या दो से अधिक भाषा का प्रयोग। तो यहाँ सिंपल सी बात है, सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित किया जा रहा है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रुत लेख में क्या है कि आप सुनते हैं लिखते हैं, सुनते हैं लिखते हैं, तो वो श्रुत लेख हो जाएगा। कथन विश्लेषण भी नहीं होगा, अधिक भाषाओं का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। एक ही भाषा का हो सकता है कि प्रयोग हो पा रहा हो, क्योंकि यहाँ क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के 7 जन्म लेते हैं, ये कथन किसका है? यानी यहाँ जो कुछ साइकोलॉजिस्ट के नेम मेंशन किए गए हैं और आपसे एक स्टेटमेंट बोल दिया गया है और आपसे कहा गया है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड, किसने कहा, किस साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टेटमेंट कहा है। ऑप्शन आपके पास वायोस्की, पियाजे, चॉम्स्की या ब्रूनर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये चॉम्स्की का है। चॉम्स्की ने कहा है कि जो मनुष्य होता है वो भाषा अर्जन की क्षमता के 7 जन्म लेता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट है, इससे तो बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची जो थी उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया था, उनमें से एक कौन सी भाषा है? ऑप्शन आपके पास अवधी, नागपुरी, बोडो या राजस्थानी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में बोडो लैंग्वेज जो है उसे ऐड कर दिया गया था। इसके अलावा 21 और भी लैंग्वेज थी जो ऐड की गई थी। तो आपको जितनी भी लैंग्वेज पता है आप कमेंट करके बताइए कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन आपके पास मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी। तो यहाँ आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 जो है वो मातृभाषा पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं? ऑप्शन आपके पास प्रक्रिया उपागम, उत्पाद उपागम, दूसरे के लेखन की नकल करना या बिंदुओं में लिखना। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में प्रोसेस अप्रोच भी कहते हैं। यानी जो भी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि प्रक्रिया उपागम क्या है, तो प्रक्रिया उपागम को हम इंग्लिश में प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। तो इसी के अंदर आता है लिखने के द्वारा लिखना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है? निगेटिव स्टेटमेंट की बात की जा रही है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया हो कि यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो बच्चे तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कई सारी अगर बच्चे को अवसर और परिवेश दिया जाता है तो वो कई सारी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव बात की जा रही है। इस वजह से यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी निगेटिव। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान नहीं डालती, ये एनसीएफ आपका कहता है। यानी जो अगर फर्स्ट लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज के लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो फिलहाल अभी कुछ बाकी हैं जिन्हें हम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्री कम है? यानी किसी बच्चे को आपको लिखना सिखाना है तो क्या क्रम आप अपनाएंगे? सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सीखना, मतलब सिखाना, विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, विद्यार्थियों से ऊंचे स्तर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। देखिए, अगर बच्चा, पहले तो हम आकृतियों पे फोकस करेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बना पाए, क्योंकि अगर वो फिगर बना पा रहा है, वो राउंड शेप बना पा रहा है, लाइन बना पा रहा है, तभी तो वो अक्षर लिख पाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा सेकेंड, पहले हम उसे आकृतियाँ बनवाना, मतलब बनवाएंगे, फिर उसके बाद आकृतियों की हेल्प से हम अक्षर लिखवाएंगे, फिर उसके बाद विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाएंगे। तो यहाँ आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। किस में दिया हुआ है? थर्ड में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में काम करवाती है, यानी कि एक टीचर है जो क्लास 4 में जोड़ों में काम करवाती है, यानी कि 2 लोगों के सेट बनवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। तो यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देगी, यह निगेटिव की बात की जा रही है, यानी सबसे कम योगदान कौन सी एक्टिविटी में, किस एक्टिविटी में सबसे कम योगदान होगा। पहला है अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सक्रिय श्रवण, वाक्य रचना या शब्द संपदा। तो यहाँ अगर हम देखें तो शब्द संपदा से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम उसे शब्द बनाना नहीं सिखा रहे, हम वाक्य रचना सिखा रहे हैं। उससे बच्चा वाक्य रचना करना सीखेगा, जब वो डिस्कशन करेंगे ग्रुप में तो क्या होगा, उनके स्टेटमेंट अच्छे से बन पाएंगे, यानी वो अच्छे से स्टेटमेंट वाक्य रचना कर पाएंगे, अच्छे से एक्टिव रूप से सुन पाएंगे चीजें, और साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। तो यहाँ अगर सबसे कम की बात की जा रही है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास, विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उसे सीखने, मतलब उससे सीखे किन्हीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे, क्योंकि इसमें टीचर तो इन्वॉल्व है ही नहीं, बच्चा तो खुद से एक्टिविटी कर रहा है ना, टीचर ने बस बोल दिया आपको ये करना है, बच्चा क्या कर रहा है, वो खुद से सारी चीजें कर पा रहा है, उसमें टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो इस वजह से इसमें कह रहा है कि कौन सी गतिविधि में अध्यापक सहायता नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयीय शिक्षा मातृभाषा यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं। सही बात है, भारत में सभी बच्चे सबसे पहले जो एजुकेशन होती है वो अपनी घर की भाषा में ही स्टार्ट करते हैं, और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा रूरल एरिया से रिलेटेड है तो ऐसा तो नहीं है कि उसे बचपन से इंग्लिश ही बोलना सिखा दिया गया हो, वो पहले क्या करेगा, नॉलेज जो डेवलप होगी उसके अंदर या भाषा सीखेगा तो सबसे पहले अपने रीजनल लैंग्वेज में सीखेगा, जो आसपास बोली जाती हैं, गांव की जो भाषाएं होती है उसमें सीखेगा। फिर उसके बाद अगर उसे शहर ले आया जाता है तो उसके लैंग्वेज में क्या होगा, थोड़ा चेंजमेंट आएगा। अगर उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया जाता है तो फिर क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेगा। तो वही चीज़ें बोली गई हैं कि सबसे पहले बच्चा सीखना घर की भाषा में शुरू करता है, फिर उसके बाद वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को जोड़ता है। तो शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है, यानी इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है एजुकेशन के लैंग्वेज में, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति या कार्यालयी शिक्षा नीति, या शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, यानी मातृभाषा से वो कई सारी पहले मातृभाषा सीख रहा है, उसके बाद फिर वो कई सारी लैंग्वेज को सीख पा रहा है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा, यानी कोई मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जिसकी संरचना को एक स्टूडेंट समझना चाहता है कि कैसे स्ट्रक्चर हुई कैसे स्ट्रक्चर नहीं हुई, तो इसके लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों को सबसे अधिक मदद कर पाएगा। ऑप्शन देखते हैं। जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई रिकॉर्डिंग, या किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, या एक ऐसा मानस चित्रण यानी माइंड मैपिंग बनाना, कार्यक्रम बनाना जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अलग अलग कंपोनेंट्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है तो उससे बच्चा क्या कर रिलेट कर पाएगा, अच्छे से लर्न कर पाएगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है, यानी किसी नई लैंग्वेज को सीखने जा रहा है बच्चा तो उससे रिलेटेड कौन सी बात सही होगी। मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है, मातृभाषा का ज्ञान हमेशा हेल्प करेगा, आपको इसके बाधक नहीं समझना है।
मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है, नहीं बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, पहला स्टेटमेंट सही है और यहाँ सही की बात की जा रही है, तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहला सही है तो बाकी के तीन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, निदानात्मक, और डायग्नोस्टिक मतलब होता है उपचारात्मक। उसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को अगर लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, सीखने में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, किस कारण से आ रही हैं, क्या डिफिकल्टी आ रही है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, उसकी मैथ कमजोर है, ये क्या है, उसे लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, तो मतलब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाता है, उपचारात्मक शिक्षण में आ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है डायग्नोस्टिक टेस्ट से। ऑप्शन आपके पास व्यक्ति विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना और निदान सुझाना, ये एकदम सही है, ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड है। फिर अध्यापक समस्याओं को संबोधित करने और दर करने के लिए व्यवहारिक उपचारात्मक समाधान ढूंढते हैं, ये भी सही है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया टीचर ने तो क्या करेगा, उससे रिलेटेड रिमीडियल टीचर फाइंड आउट करेगा, यानी कि उससे प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या मेथड इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों पे वो फोकस करेगा। फिर कह रहे हैं विद्यार्थी को गलतियों का विश्लेषण करके उपयुक्त उपचारात्मक कार्यों का चयन करना, ये भी सही है। नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना, ये रिलेशन नहीं है, यानी उपचारात्मक शिक्षण से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में उसको दिक्कत आ रही है, तो टीचर क्या करे, एक नवीन पठन या पाठ्यक्रम ले आए नई शिक्षण नीतियों का प्रयोग करके और उच्च अधिगम रणनीतियों का प्रयोग करें, तो ये आपका इससे रिलेशन नहीं है इसका, तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा, उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है जो घर में विभिन्न बोलियां बोलते हैं, ऐसा नहीं है, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर लैंग्वेज डाइवर्सिटी है तो वो एक उपयोगी संसाधन के रूप में होगी, मातृभाषा हो या लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इसे हम पॉजिटिव वे में ही लेंगे, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं हिंदी पेडागॉजी के, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। और आप जल्दी से ही अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इन सभी जितने भी 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, और खुद का भी एनालाइज, मतलब खुद को भी एनालाइज कीजिए कि आप कितने कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली ही क्लासेस सीटेट की मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।